नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ओमी सैनी। आप देख रहे हैं AN247 न्यूज राजस्थान। खबर पाली से। पाली के बानगढ़ स्कूल मैदान में बुधवार से 5 दिवसीय जिला स्तरीय अमृता हाट मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी ने फीता काट कर किया। मेले में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित सामग्री के प्रदर्शन में विपणन के लिए हाट में राज्य के विभिन्न जिलों से स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादकों की 35 स्टॉल्स लगाई गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि अमृता हाट मेले का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण व शहरी परिवेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है, ताकि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा मिले एवं महिलाओं का आर्थिक उत्थान किया जा सके। उन्होंने कहा है कि मेले में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद प्रदर्शित कर सीधे ही ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, जिसे बिचौलिया की भूमिका समाप्त हो और महिलाओं को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा है कि महिला सहायता समूह इसी प्रकार के मेले में ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर अपने उत्पाद प्रस्तुत करे, ताकि वे आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ सके। समाज सेवी महावीर सिंह सुकरलाई ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सोच है कि महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने कई योजनाएं बनाकर महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। साथ ही घूंघट प्रथा को छोड़ते हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचित महिला सरपंचों को भी पंचायत के विकास के लिए अपने स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि महिलाओं की राज्य के विकास में भागीदारी बढ़े। उन्होंने कहा है कि मेले में महिलाओं द्वारा निर्मित अच्छी गुणवत्ता के घरेलू उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जो मेले की विशेष पहचान है। छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे AN247 न्यूज राजस्थान के साथ।